हरे कृष्णा। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्तों में से श्रील जयदेव गोस्वामी विमूलतः बंगाल के संस्कृत की रचनाओं में अत्यंत निपुण। उनकी रचनाओं में से एक रचना गीत गोविंद, जो सारे लोकों में आज भी सुप्रसिद्ध है, न केवल अन्य अन्य लोकों में अभी तो भगवान जगन्नाथ जी भी गीत गोविंद को आज भी सुबह शाम सुनते हैं। वे जब गीत गोविंद की रचना कर रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि भगवान श्रीमती राधा रानी के चरणों को अपने शीश पर धारण किए हुए हैं। देही पदवल्लभम उदारम राधिके। किंतु जैसे ये विचार आया, उन्होंने अपने इस विचार को रोका और कहा कि आज तक जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी आचार्य है, ऋषि है, देवी देवता है, इन सब ने भगवान के चरण कमलों की अत्यंत सुंदर स्तुति की है, गुणगान किए हैं कि उनके चरण कमलों जैसा और कुछ भी नहीं अभय प्रदान करने वाला। और यह कल्पना कि जिनके चरण कमल सर्वश्रेष्ठ हैं, वे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने शिरोधार्य कर रहे हैं, ये कल्पना मेरे मन में आई तो है, किंतु क्या ये उचित है इनको काव्य रूप में लिखना? बस अपने इस सोच को उन्होंने कुछ क्षण के लिए रोककर अपनी भारिया पद्मावती से कहा कि मैं स्नान आदि क्रिया गायत्री करके पुनः लिखने बैठूंगा, क्योंकि मन अभी थोड़ा सा विचलित है, किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहा हूं। कुछ देर पश्चात जयदेव गोस्वामी तो नहीं आए, किंतु उनका रूप धारण करके साक्षात गोविंद देव जी वहां पे प्रकट हुए। जयदेव गोस्वामी जी की भारिया को लगा यह तो उनके ही पतिदेव है, इसलिए उन्होंने उनको भोजन प्रसादी पवाई। उसके पश्चात भगवान गोविंद देव जी अर्थात जिन्होंने जयदेव गोस्वामी जी का रूप धारण किया था, वे उस पत्रों पर लिखने के लिए बैठ गए। और जो विचार जयदेव गोस्वामी जी के मन में आया था, उसी को भगवान ने उस पत्र पर लिखा, देही पदवल्लभम उदारम राधिके। वे लिखने के पश्चात जो मूल जय गोविंद श्री जयदेव गोस्वामी जी थे, वे वहां पर लौट आए। पत्नी को तो पता नहीं था। वे जब लौटे तो उन्होंने कहा कि मैं भोजन प्रसादी पाना चाहता हूँ, किंतु मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आज तक ऐसे नहीं हुआ, हमें प्रसादी पवा के फिर आप प्रसाद पाते थे, आज तो मैं आपको प्रसाद पाते वक्त देख रहा हूँ, मेरे ही पूर्व। उनकी पत्नी थोड़ी सी अचरज हो गई। उन्होंने कहा अभी कुछ समय पूर्व ही तो आप प्रसाद पा लिए, और यह देखो आपकी प्रसादी थाली में ही हम आपका उच्छिष्ट पा रहे हैं। अब जयदेव गोस्वामी बार बार उनको कहने लगे कि हमने तो प्रसादी नहीं पाई हुई। उनकी भारिया ने कहा कि आप तो कुछ उस पत्र पन्नों पर लिखकर भी बैठे हुए थे, और ये आप ही का तो उच्छिष्ट हम पा रहे हैं। जयदेव गोस्वामी जी जहां पर काव्यों की रचना करने बैठते थे, वहां पर जाकर उन्होंने देखा, आश्चर्य, जो विचार उनके मन में आया था, उन्हीं विचारों को शब्द रूप में, काव्य रूप में वहां पे लिखा हुआ था। जयदेव गोस्वामी जी समझ गए। उन्होंने पद्मावती अपनी भारिया से कहा कि देवी, यह अन्य कोई नहीं, साक्षात गोविंद देव जी, जगन्नाथ जी आकर ही इस रचना को पूर्ण किए जो हमारे मन में था। वही गीत गोविंद जगन्नाथपुरी में हर कोई गाता था,
हर किसी के मुख में, चारों ओर लोग उसे सुनते थे, उस रचनाओं को गाते थे। इतनी प्रसिद्ध रचना वह बन गई। और एक लीला संपन्न हुई जगन्नाथपुरी में ही। कुछ चोर मंदिर में चोरी की लालसा से प्रवेश किए। उन्होंने चोरी करते समय कई सारी वस्तुओं की चोरी की और वहां से निकल पड़े। बाद में जब उन्होंने देखा कि इसमें तो जवाहरात है, लक्ष्मी अर्थात पैसे हैं, हीरे मानिक मोती है, उसी के साथ एक पत्थर भी है। शालिग्राम जी थे, किंतु उन्हें पता नहीं था कि यह साक्षात भगवान के रूप शालिग्राम जी हैं। उन चोरों को लगा कि यह पत्थर काला, हमारे तो किसी उपयोग का नहीं। रास्ते में जाते वक्त उन्होंने एक मोची को वह पत्थर अर्थात शालिग्राम जी दे दिए। अब हम सब जानते हैं मोची का तो कार्य है कि जूते चप्पलों को ठीक करना। अब वह भी साधारण मोची नहीं था, साक्षात श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम का मोची था। और उस समय गीत गोविंद हर कोई गाता था, जैसे भौतिक संसार में आज के कलयुग में लोग माया से प्रभावित होके संसारी गीत गाते हैं। उस तरीके का भाव तो उस समय नहीं था, भगवान में उतने मग्न थे। तो वह मोची भी जब भी किसी जूते चप्पल को कील ठोकता था तो वह देही पदवल्लभम और ठोकता था, राधिके फिर ठोकता था। इस तरह से गीत गोविंद के पद गाते गाते अपने कार्य को संपन्न करता था। उसी क्षण एक ब्राह्मण वहां पर आए और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप ये क्या कर रहे हो? आप जिसे पत्थर समझकर इसे उपयोग में ला रहे हो आपके जूते चप्पल ठीक करने में, ये साधारण पत्थर नहीं है, यह तो साक्षात शालिग्राम जी है। अब उस मोची को तो पता नहीं था। ब्राह्मण ने कहा कि इस शालिग्राम जी को आप हमें दे दो और उनसे लेकर घर लौटे। ब्राह्मण थे ही तो वे विधिवत उस शालिग्राम जी की पूजा अर्चना आरती करना प्रारंभ किए। किंतु शालिग्राम जी ने उस ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, आप हमें पुनः उस मोची के पास लौटा दो। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि भगवान, आपने हमें जाति से ब्राह्मण बनाया, हम तो षोडशोपचार की पद्धति से आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। वो तो साधारण सा मोची, वो तो आपकी महत्ता को जानता भी नहीं। भगवान ने कहा, किंतु वो हमें प्रतिदिन गीत गोविंद सुनाता था और हमें गीत गोविंद अत्यंत प्रिय है। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे शालिग्राम भगवान, हम भी आपके लिए नित्य प्रतिदिन गीत गोविंद को सुनाएंगे, किंतु आप हमारे पास ही रहिए। यह है गीत गोविंद की महत्ता। इसी के साथ और एक मुस्लिम सैनिक थे, जयदेव गोस्वामी जी। जब भी वह गीत रचनाओं को गाते थे तो वह मुस्लिम सैनिक अपनी अजान के वक्त भी अजान नमाज अदा करना भूल जाता था और उनके कर्णों में वह गीत गोविंद के रचना गूंजने लगती थी। एक दिन वे चले गए जयदेव गोस्वामी जी के कक्ष में और उन्होंने कहा, क्या आप हमें यह गीत सिखा सकते हो? जयदेव गोस्वामी जी ने कहा, वैसे तो आप मुस्लिम धर्म का पालन कर रहे हो, किंतु यदि आप यह रचना सीखोगे तो आपको कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं होगी? उस मुस्लिम सैनिक ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यह गीत मेरे हृदय को इतना भा गया है कि मैं इसे सीखना चाहता हूँ, मैं भी इनके काव्यों को गुनगुनाना चाहता हूँ। जयदेव गोस्वामी जी उनको सिखाने के लिए तत्पर हुए और उस सैनिक के हृदय से इच्छा थी, इसलिए वह बहुत कम समय में उसे सीख भी लिए। अर्थात सैनिक थे तो उन्होंने जयदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि इसे मैं कब गाऊंगा, क्योंकि मैं तो हर
समय सीमा पर रहता हूँ और वहां पर मैं इसे गुनगुनाना भी चाहता हूँ, तो ऐसा कौन सा उचित समय है कि जब मैं इसे अच्छे से गा भी पाऊँ? जयदेव गोस्वामी जी ने कहा कि आपके सेवा में जो भी कार्य करते हो उस समय घुड़सवारी भी आप करते हो, तो जब आप घुड़सवारी करते हो तब गाया करो। किंतु एक बात यह भी ध्यान रखो कि घुड़सवारी करते समय थोड़ा सा पीछे सरक के बैठना। अब उस सैनिक को समझ में नहीं आया तो जयदेव गोस्वामी जी ने कहा कि जब भी कोई गीत गोविंद गाते हैं तो भगवान वहाँ पे जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं, लालायित होते हैं उन सुनने के लिए, तो क्या आप उनको बिठाओगे नहीं? आप घुड़सवारी करोगे तो उन्हें भी तो स्थान चाहिए, तो आप उनको आगे बिठाना अवश्य। अब उन्होंने तो उसे इतना गंभीरता से नहीं लिया सैनिक ने, किंतु जो प्रत्यक्ष अनुभव किए, एक दिन वह गीत गोविंद गाते गाते घुड़सवारी करते करते गाने लगे और उन्हें यह अनुभूति हुई कि वे अपने आप पीछे जा रहे हैं। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे यह केवल अनुभूति हो रही है, मेरे मन में चल रहा है, या प्रत्यक्ष अनुभूति है, तो फिर उन्हें वही एहसास हुआ कि मुझे कोई तो पीछे कर रहा है, अर्थात जगन्नाथ जी ने अपनी जगह बना ली। अत्यंत सुंदर काव्य रचनाओं को सभी लोग वहां पे गुनगुनाते थे, सुनते थे। किसी को ऐसे लगा कि यह क्या सहजिया लोगों की तरह गीत गोविंद जगन्नाथ जी को सुनाना, इसलिए कुछ समय जगन्नाथ जी को सुनाना बंद कर दिए। जैसे ही बंद कर दिए और एक लीला प्रकट हुई। जगन्नाथ जी के पुजारियों ने एक दिन पट खोले तो उन्होंने जगन्नाथ जी के वस्त्रों में अलग अलग जगहों पर कांटे वगैरह लगे हुए देखे, और जगन्नाथ जी के जो निचला हिस्सा था साड़ी का, जिसे हम पल्ला बोलते हैं, तो वहाँ पर भी कई सारे लता पता के कांटे वगैरह भी चुभे हुए थे। अब सारे संभ्रमित हो गए कि हम तो इतने अत्यंत प्रामाणिकता से सुचारू रूप से सेवा भगवान जगन्नाथ जी की करते हैं, तो कहीं पर भी यह कांटे लता पता आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु उसके पश्चात भी यह कैसे संभव हुआ? अब तो यह बात राजा को भी पता चली और जगन्नाथपुरी के राजा ने यह निर्णय लिया कि उन सारे पुजारियों को दंड दिया जाए। उन पुजारियों ने जगन्नाथ जी को विनती की कि हे जगन्नाथ, हम तो अत्यंत प्रामाणिकता से आपकी सेवा कर रहे हैं, किंतु आपके इन वस्त्रों में यह कहाँ से आया हमें भी ज्ञात नहीं, किंतु राजा के इस दंड से हमें बचाइए। भगवान जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि हे राजा, हम यह गीत गोविंद अत्यंत तीव्रता से सुनते थे, किंतु आपने जैसे यह सुनाना बंद कर दिए, पड़ोस में ही जो माली की पुत्री है इस गीत को प्रतिदिन गाती है फूल चुनते समय, और वे जैसे जैसे उस वन में आगे जाती है फूलों का चयन करते करते हम भी उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो उन्हीं कांटों में उन्हीं वनों में कहीं मेरे वस्त्र फट जाते हैं तो कहीं लता पताएं मेरे शरीर में लग जाती हैं, वहाँ की रज अर्थात वहाँ की मिट्टी वगैरह भी हमें लगती है। तो इसी को पुजारियों ने अल्टर में अर्थात मंदिर के गर्भगृह में देखा है। अब राजा को यह सुनने के पश्चात उस वन में जाकर उन्होंने देखा तो वास्तव में भगवान जगन्नाथ जी के वही वस्त्रों के टुकड़े वहां पर उन्हें प्राप्त हुए। जगन्नाथ स्वामी की जय, गीत गोविंद की जय। इतना सुंदर महाकाव्य फिर से जगन्नाथ जी को सुबह शाम आज भी सुनाया जाता है। इस रचनाओं में आखिरी जो रचना जयदेव गोस्वामी जी ने लिखी है उसमें वे वर्णन करते हैं कि संसारी लोग, कर्मी लोग अपने भौतिक ताप को भुलाने के लिए भी जो मदिरा का पान करते हैं वह भी विष्टा तुल्य है,
क्योंकि वह मदिरा तो कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति को मदमस्त रखती है, किंतु गीत गोविंद की रचना जो है, काव्य जो है, यदि कोई सुनता है तो उसका नशा, आध्यात्मिक नशा उतरना मुश्किल है। यह चीनी से भी मीठी है, क्योंकि चीनी खाने के पश्चात और कुछ चीज हमें मीठी नहीं लगती, लेकिन जब गीत गोविंद का कर्णों द्वारा हम प्राशन करते हैं तो वो चीनी भी कड़वी लगने लगती है। अर्थात इतना मधुर यह गीत गोविंद का काव्य है। और ना केवल चीनी, इसके सामने आम, जो सब को उसका रस प्रिय होता है, तो इस आम की तुलना भी अत्यंत निकृष्ट है, क्योंकि आम पकने से पूर्व खट्टा होता है, या आम में गुठली होती है और कई सारी चीज़ें निकालने योग्य होती है। किंतु गीत गोविंद को कहीं से भी सुनिए, शुरू से सुनिए, अंत में सुनिए, उतनी ही अद्भुत मिठास है। अंत में वे कहते हैं कि अमृत भी इसके सामने फीका है, क्योंकि अमृत तो केवल जीवन को बढ़ा सकता है, किंतु कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। किंतु जो कोई भी गीत गोविंद को सुनेंगे, उनको कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। इतना सुंदर काव्य। जगन्नाथ जी अपने वस्त्र भी पहनते हैं, तो उन वस्त्रों पर रेशम की डोरी से गीत गोविंद को लिखा जाता है और उन्हीं वस्त्रों को वो पहनते हैं। ऐसे जयदेव गोस्वामी ये महान भक्त थे। उनकी चर्चा तो ना केवल जगन्नाथपुरी में अपितु सारे ब्रह्मांडों में गुणगान किया जाता है, उनके रचनाओं का, उनके गीत गोविंद का। आइए हम जयदेव गोस्वामी जी के चरणों में वंदना करते हैं कि उनकी रचनाओं को सुनना इतना आसान भी नहीं है, उनको गुनगुनाना अपितु यह तो अति दुर्लभ है, क्योंकि यह अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। इस काव्य को सुनने के लिए भी हमारी मन, बुद्धि, हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होना अत्यंत आवश्यक है। किंतु यदि हम ऐसे आचार्यों के, ऐसे नित्य सिद्ध भक्त जो है, भगवान के पार्षद हैं, उनके चरणों में यदि हम विनती करते हैं, तो लेश मात्र उनकी कृपा से भी हमारे में वो योग्यता सुनने की निर्माण हो सकती है। हम सभी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। जयदेव गोस्वामी की जय। गीत गोविंद की जय। हरे कृष्ण। Thank you.